जैसा पुलिस लगातार शराबबंदी पे मुहिम चला रही थी और इसी क्रम में जो सूचना तंत्र है उसको भी मजबूत किया जा रहा था, इसी कड़ी में एक सूचना मिली थी कि दंगौल से मुर्शिदाबाद जिले से एक बड़ी खेप जो है वो सहरसा के लिए आ रही है। जिला सूचना इकाई के द्वारा इसमें 2 दिन तक करीब सत्यापन और रेकी किया गया। रात्रि में सूचना मिली कि बनगांव थाना क्षेत्र में महेश्वरा घाट रोड है, वहाँ पर कुछ लोगों का जमावाड़ा है और शराब आई हुई है। जिला सूचना इकाई की टीम सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तुरंत छापामारी की गई। पुलिस को देख करके जो कारोबारी है वो तो भाग निकले, लेकिन वहाँ से करीब 6482 लीटर शराब बरामद की गई है, जो इस ज़िले की सबसे बड़ी रिकवरी है अभी तक। और क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी है इसीलिए जो इसमें अनुसंधानक है वो DSP स्तर के पदाधिकारी को बनाया जा रहा है और हम लोग इस पे मुहिम चला रहे हैं। और कारोबारियों का जो प्लान था कि जो जहाँ ये एक महिडगरा घाट रोड है वहाँ से कुछ गाछी की तरफ से रास्ता जाता है तो वहाँ पे उन लोगों ने अनलोड करने का प्लान किया था। मतलब क्या लग रहा है 29 तारीख को जो है यहाँ पे पंचायत चुनाव भी है, कहीं ना कहीं उसमें खपाने के लिए जो है कारोबारी जो है मंगाया होगा। बिल्कुल इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग काफ़ी मुस्तैदी से इसमें काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोग इस चीज़ को रोक पाए। किसी की अरेस्टिंग भी हुई? इसमें अरेस्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जो ड्राइवर है और जो ट्रक मालिक है और 2 लोग और जो है वो चिन्हित हुए हैं जिसमें 2 और लोगों पे तो प्राथमिकी दर्ज की गई है।